सिंगारी। आजकल घर घर बैठक मंदिर में, आजकल घर घर बैठक मंदिर में, नारी के चर्चा करल जाला यरी रे रे रे, अरे रे रे रे, नारी जाती है सब सिंगारी। तरक्की के है कार्यक्रम में आपके स्वागत है। आपके स्वागत एक गणेश मंत्र से कर दी सर। जी हाँ, रोशन नवीन अभी एक गणेश मंत्र करत रहन अपन छोटा सुन टोली के संगे जावर विघ्नेश बा वशिष बा और सजन अभिमान हवन सर। और महिला लोग नारी लोग अलग अलग क्षेत्र में तरक्की तो करत हुआ सर, गीत संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की कर ले रहे हों सर, आगे बढ़ती जाते हैं सर। तो रोशनी जी नमस्ते, हाई कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। धन्यवाद, नमस्ते। बुझाता जैसे गीत गाते अभी इतना मधुर आवाज में, इतना लय के साथ, निमन के साथ, तो सुने में बहुत अच्छा लगेगा, मन करेला कैसे जैसे कि सुनते जाएगा सुनते जाएगा। बुझाता काफ़ी बरी से हाई करत हुआ गात हुआ, हमने के बतावा एक शुरुआत कैसे हुआ? ये जो संगीत है, जैसे कि आप जानते हैं संगीत तो हर किसी को पसंद है, तो मुझे बचपन से ही संगीत बहुत पसंद है। और शायद जैसे कि हम कहते हैं जेनेटिक हेरेडिटरी, तो मेरी माँ और मेरी नानी सबसे पहले वो सब लोग गाते थे, तो मैं उनको देखकर सुनकर मैं भी गाना चाहती थी। मेरी नानी गाती थी, भजन गाती थी, और फिर मेरी माँ गाती थी। मेरी माँ को वो पहला पुरस्कार मिला था, आप जानते हैं उस समय एक कंपटीशन हुआ करता था राजू खोशे, तो उस समय वो गाती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो गाना, उसने दम मारो दम गाया था क्योंकि उसे आशा भोंसे का गाया हुआ सब गीत पसंद था, तो उसने गाया दम मारो दम, तो उसे पहला पुरस्कार मिला था। तो तब मैंने कहा हाँ, मैं भी बड़ी होकर ऐसे ही गाऊंगी, तो ऐसा ही संगीत मेरे दिमाग में छा गया। मैं भी
Roshni, c'est qui m'a trouvé avec lui, Vashish et Anusha. रोशनी, वशिष और अनुषा तीनों के ही संगीत में काफी दिलचस्पी बा। खासकर रोशनी पीतिए से संगीत के प्रति बहुते रुचि दिखावत रलन। बुझाला कि उनकर परी माँ सरस्वती के ही आशीर्वाद बाटे संगीत में बड़ा होते गयलन और प्रगति करते गयलन। Lin continue grand, il a dans même progressé beaucoup beaucoup là dans même et que incroyable bonne quelque chose qu'il fait et qu'il se casse aujourd'hui qu'il n'arrive. रोशनी गीत गाए के अपन हाई शो पूरा करे लगलन। पूजा होई, स्कूल के कोनो कार्यक्रम होई, तब गाना गावत रलन। बकी कबो इस सोचने ने रलन कि उनकर जीवन के एगो अहम हिस्सा बन जाए हये संगीत और हये उनकर कार्य भी बन जाए। वो ब्रिटिश अमेरिकन इंश्योरेंस में काम करत रलन। आरे को मो बोला भाई की मदद के जरिए उनका संगीत सीखे के मौका मिलन। तब से उनका जीवन ही संगीतमय हो गल। वो संगीत सीखते गयलन। वो उसका नाम है आदित्य चतवर जी, मेरा मुँह बोला भाई। तो उसने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कैसे कहते हैं भोजपुरी में, कल से उसने मेरा वो एप्लीकेशन MJI भेजा। तो मुझे नहीं पता था, जब लेटर मिला तो मैंने कहा अरे ये क्या है, मैंने कब अप्लाई किया म्यूज़िक में जाने के लिए। तो उसने कहा नहीं मैंने अप्लाई किया, तुम जाओ सीखो और क्योंकि तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो तब से शुरू हुआ। लेकिन करियर से पहले मैं अपने गुरुजनों को नहीं भूल सकती, तो खास सादर प्रणाम है गुरुजी ओक्या को, श्री चिनैया ओक्या, श्री रवि बगोबन को, श्री राजेश चमन को और डॉक्टर प्रेमिला हंसराज को और श्री देवेन आया कुची को, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला उनसे। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ तो उनके बदौलत से। 15 बरिस ले रोशनी संगीत सीखते गयलन, एक के बाद एक परीक्षा देते गयलन और उनकर संगीत सीखे के हर सफर भी जारी रहल। जीवन के हर उतार चढ़ाव के सामना करते हुए वो आगे बढ़ते गयलन और ये उनकर कार्य भी बनल। MJI का सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको ये ज़रूरी है सर्टिफिकेट कोर्स करना, ये 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। और अगर आपके आपके पास वो HSC 2 A levels है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा फिर डिग्री। तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो एडवांस कर रही थी लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स आ गया, तो मेरे गुरुजी ने कहा आप जाओ डिप्लोमा करो। तो मैं डिप्लोमा गई लेकिन बहुत ही कैसे ऑब्स्टेकल्स था जीवन में, हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मुझे मैंने कहा गुरुजी मैं डिप्लोमा नहीं कर सकती, बहुत दूर है, और उस समय वो ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम था, दूर था जाने के लिए, और वहाँ से लौटने में भी बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो डायरेक्ट बस नहीं था, पोर्ट लुइस का डायरेक्ट बस नहीं था आने साउथ में आने के लिए। लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा नहीं 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 तुम पेशेंस लो, करो, ये तुम्हारा कार्य है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, जाओ इस म्यूज़िक को अपना ही बनाओ। तो मैंने कहा ओके, तो भगवान से शक्ति मांगा कि मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ। तो पता नहीं कैसे पट 3 साल चले गए डिप्लोमा में, अब 2 साल है एक्चुअली, इट्स 2 years ऑफ कोर्स इन डिप्लोमा आई थिंक MJI, बट उस समय 3 साल का डिप्लोमा था। तो मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करते ही सन 2002 में मैंने डिप्लोमा फिनिश किया। तो मैंने अप्लाई किया, वो म्यूज़िक एजुकेटर था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज़रिए मैंने अप्लाई किया, और मैंने अप्लाई किया अक्टूबर में, फ़ोन आया नवंबर में आपको काम मिल गया। मैंने कहा क्या, डायरेक्टली स्टेट स्कूल्स में मुझे जॉब मिला। सबसे पहले मैं इमानुएल लॉन्ग थिल स्टेट सेकेंडरी स्कूल जो मेरे बग पर है, और स्वामी विवेकानंदा स्टेट सेकेंडरी स्कूल,
तो मुझे काम मिल गया म्यूज़िक एजुकेटर, तो मैं गई और मैंने कहा अब मैं म्यूज़िक टीचर हूँ तो डिप्लोमा काफ़ी नहीं है क्योंकि मुझे और भी अपडेट करना है अपने आप को। तो मैंने कहा ओके अब मैं डिग्री करूँगी। तो मेरे गुरुजी ने कहा हाँ, बहुत ही प्रोत्साहित किया उन्होंने, हाँ ऑफकोर्स यू कैन डू योर डिग्री कोर्स। तो मैं डिग्री करने गई और डिग्री के बाद मैंने पीजीसी भी किया। तो बहुत ही लंबा सफर था। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रही हूँ, अपने आप से सीख रही हूँ, बच्चों से सीख रही हूँ, क्योंकि मैं और भी सीखना चाहती हूँ। क्योंकि म्यूज़िक ऐसा सागर है, जितनी भी आप डुबकी लगाओ पता नहीं कितने उसका कैसे कहते हैं गहराई जो है आपको पता नहीं चलेगा, ये इतना ही बड़ा सागर है। रोशनी बोलेलन की संगीत सिखाई के काम अलग ही अनुभव बा। बड़ा आदमी लोग के सिखावे के आगे सिखावे के बहुत ही अलग बा। सबूरी चाही कले कले वो अपन मंडली भी कायम करलन, संगीत के एगो मंडली स्वरांजलि मंडली, और ढेर गो कार्यक्रम पेश करे के भी ये मंडली के मौका मिलल। तो अगर आप गुड टीचर है तो आप कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैंने किया लेकिन स्लोली मैं दूसरे क्षेत्र में गई। तो मैंने एक टोली बनाई, हमारी टोली का नाम है स्वरांजलि मंडली। जैसे आपने देखा अभी विघ्नेश है बांसुरी पर और वशिष है कीबोर्ड पर। तो हमने एक टोली बनाई स्वरांजलि मंडली, जो काफ़ी साल से अभी हम कई प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जैसे आपने कहा हम देश में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कई तरह के प्रोग्राम, भजन प्रोग्राम है और कराओके प्रोग्राम है, सब कुछ जो जो भी संगीत से जुड़ा हुआ है हम सब प्रोग्राम करते हैं। मेरी वशी से मुलाकात हुआ, विघ्नेश से मुलाकात हुई और मेरी तबला वादक जो आज यहाँ नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना हम एक मंडली को सेट करते हैं, लेकिन आपको वो लोग चाहिए जो एकदम डिवोटेड म्यूज़िक म्यूजिशंस है। आप ये नहीं आप नहीं काम कर सकते हैं जो जो आएंगे अभी अब कल बोलेंगे नहीं मुझे समय नहीं है। आपको डिवोटेड म्यूजिशंस चाहिए, जैसे कि विघ्नेश और वशिष बहुत ही डिवोटेड म्यूजिशंस है। तो देखिए भगवान की कृपा है, हम देश में भी कई तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और विदेश में भी कई तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। Thank you.
जो नॉलेज मिला वोकल से, मैं इन्हीं नॉलेज को यूज़ करता हूँ बांसुरी खेलने के लिए, क्योंकि मॉरिशस में कोई बांसुरी टीचर नहीं है, तो जो भी हमने सीखा है वो रोशनी रोशनी से ही सीखा हमने। वो बहुत मेहनती है और बहुत एम्बिशियस है और हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं म्यूज़िक सीखने और म्यूज़िक में प्रोग्रेस करने के लिए। रोशनी जी हमको बहुत मोटिवेट किया। रोशनी और उनकर मंडली के लोग साई भक्त हवन सा त विदेश जाके परफॉर्म के मौका साई ऑर्गेनाइजेशन देने से ही मिलल। प्रशांति जाए के सुनहरा अवसर मिलल, हुए से आर आगे बढ़े के मौका मिलल, संतुष्टि भी मिलल। 70 गोदेश के कलाकार लोग के संगे काम करे के अवसर मिलल। मैंने गणेश वंदना की कंपोजिशन बनाया, तो मेरे गुरुजी ओक्या की मदद से मैंने ये कंपोजिशन किया और वहाँ हमने ये गणेश वंदना किया। ये था साल 2016 में या तब उन्हें बहुत पसंद आया वहाँ पर। तो बाद में 2017 में उन्होंने कहा कि आप एक और प्रोग्राम बना सकते हैं, एक और प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अब जो है आपके कंपोजिशंस 35 मिनट्स ऑफ प्रोग्राम, ओनली योर कंपोजिशंस, कैन यू डू इट? सो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने डोरी से कहा हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा काम है, जब मैं सोती हूँ तो कुछ शब्द आते हैं मेरे मन में, जब मैं सोती हूँ, सो रही हूँ, और कुछ भी चून जो आ जाती है तो मैं उठकर लिखती हूँ। रात को 2 बजे लिखती हूँ, अगर शब्द आते हैं तो मैं उठकर लिखती हूँ, चून भी आती है तो मैं उठकर रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे भी आवाज़ हो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अपनी आवाज़ में, तब दूसरे दिन मैं बैठकर अच्छी तरह से कंपोज करती हूँ। USA, इंग्लैंड सब जगह से आए हुए थे प्रशांति, तो हमने उनसे उनको सिखाए सब जो कंपोजिशन थे, हमने उनके साथ किया, तो बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम था। मिस्टर रोशनी मैन फिन जाने दे ऑर्गेनाइजेशन ए मो पार्टिकुलर की यान aussi bon musicien compositeur। साई संगठन में रोशनी दीदी से भेंट हो, तब हई नहीं जानत रही कि वो इतना बहुत अच्छा गीत संगीत भी कंपोज कर सकेलन। उनकर गाना सुने के मौका मिलल जब नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर रही, तब सोच ली कि काहीं नहीं नौजवान लोग खातिर संगठन में एगो कक्षा शुरू करती सब, जहाँ पर ही भजन राग ताल और भाव सिखाती सब।
लगातार दो बरिस खातिन दुगो कक्षा चलाई रही सर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर भी काम कर ली सर नौजवान लोग के देमिलसेज में 2016 में प्रशांति में परफॉर्म करे के मौका मिलल संगठन खातिन भी रोशनी जी संगीत तैयार कर लन 2017 और 2018 में भी रोशनी जी ही सब गीत लिखलन उनकर संगीत संगीत सीखे के प्रेरणा मिलल 2017 et en 2018 aussi les créatures santé et moi m'inspirer pour lui pour apprendre avec lui petit guide qui vous connaît dans la musique il pousse moi एक अद्भुत ही एक्सपीरियंस था क्योंकि नहीं किया ऐसा प्रोग्राम कभी भी लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ इतनी अच्छी तरह से चला तो लेकिन आपको हमेशा मेरे गुरुजी ने कहा अगर आप म्यूजिक में कुछ पाना चाहते हैं संगीत में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए तो ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है कि जैसे भी आप हम्बल रहते हैं तो भगवान और आपको देता रहता है रोशनी बोलेलन की पीजीसी में एको मस्जिद में सिखावल गलबा कि कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी तरीका से आज के आधुनिक जमाना में लड़का लोग के संगीत सिखावल जा सकेला आरेकर चलते वो एगो किताब भी लिखलन जेकर से संगीत सिखावे के आर सीखे के आर आसान होगल ये लोग बच्चे चौक एंड टोक नहीं समझते आप एक चौक लेकर लिखेंगे उनको समझ नहीं आएगा आपको वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आप उनको यूज़ करना पड़ता है 2015 में मैंने एक किताब लिखी क्योंकि जानते हैं कि जो स्टेट स्कूल जो है बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में उनके पास सिर्फ कॉपी बुक हुआ करता था तो ये मुश्किल काम है आपको लिखना पड़ता है तो यू हैव ओनली 35 मिनट्स टू वर्क और एक ही पीरियड में मैं लिखती थी ऐसी पेपर पर और फोटोकॉपी करती थी देती थी उनको तब एक दिन वशिष्ठ ने कहा आप क्यों ये सब ज़ाया कर रहे हैं आपकी नॉलेज जो है आप पेपर पर लिख रहे हैं तो क्यों ना कंपाइल करो उसको एक किताब में सब डालो तो 2015 में पता नहीं कैसे हुआ आई हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूज़िक सो ये किताब है स्वर साधना वोकल हिंदुस्तानी पर आधारित लेकिन ये सिर्फ वोकल हिंदुस्तानी पर नहीं है यानी कि आप शुरू कर रहे हैं म्यूज़िक सीखने तो इसमें बहुत सी बहुत ज़्यादा चीज़ है जानकारी है हाँ इसमें तो 2015 में मैंने स्वर साधना बना लिखा और अभी भी लिख रही हूँ स्कूल में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है म्यूज़िक को तो अब मैं एक पैनल में हूँ जो हम टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं ग्रेड 7 के लिए ग्रेड 8 के लिए और ग्रेड 9 के लिए और भगवान की कृपा हो तो और भी लिखेंगे एक एडवांटेज है आप लिख सकते हैं और अगर राग जानते हैं तो आप कंपोज भी कर सकते हैं तो ये मैंने आप अपने आप में डिस्कवर किया तो मैं और भी लिखना चाहती हूँ और भी कंपोज करना चाहती हूँ जैसे कि जब मैं स्वामी विवेकानंदा स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स में थी तो वहाँ पर रामायण कंपटीशन जो है नेशनल लेवल जो है सनातन धर्म ने ऑर्गेनाइज किया था तो मेरे स्टूडेंट्स मैंने कंपोज किया उन कैसे कहते हैं रामायण के चौपाइयाँ जो है मैंने कंपोज किया उसको और बच्चों को गवाया तो हमको स्कूल के एट नेशनल लेवल द स्कूल गॉट द फर्स्ट प्राइज एंड देन इन मॉडर्न कैटेगरी वी गॉट द सेकंड प्राइज एंड देन एक साल बाद हमको मैंने हनुमान चालीसा को एक दूसरे राग में कंपोज किया वो भी हमें पहला पुरस्कार मिला और आईकाक जो है आईकाक उन्होंने कहा आप लोग एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं तो मैंने एक सेगा कंपोज किया तो बच्चों ने गाया सेगा
और सेगा भी उसको पुरस्कार दिया गया और ऐसा चलता गया। और मेरी बेटी भी इसी लाइन में है, म्यूज़िक में है। उसको एमबीसी की तरफ से बहुत ही सारे पुरस्कार मिले। Since my childhood, I have been watching my mom singing and she was so devoted down to music. She has always been my inspiration, which drew me towards the learning of music. While she was teaching me music, she was so strict with me. I mean, at that time, she was not my mother, but my guru. Despite the fact that I live in Australia, she always encouraged me to never leave the world of music. I have learned so many things from her, and through her resilience, I won the second prize in a singing competition organized by the MBC, and at that time I was only 14 years old. Then 1 year later, I won the first prize in a singing competition organized by the Hindi Speaking Union. For that competition, she wrote and composed the song that I sang. Then after some years, I won the second prize again in a ghazal singing competition. परिवार और दोस्तों की मदद मुझे बहुत बहुत ही मिला, बहुत ही प्रोत्साहित किया उन्होंने। जब भी मैं कुछ करती हूँ तो हमेशा कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ इस जाओ जाओ ये ठीक है करो। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस मिला, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैसे कहते हैं मैच्योरिटी, मुझे बहुत ही मैच्योरिटी मिला वो म्यूज़िक के क्षेत्र में। और जैसे कि मैं कह रही हूँ, वो मुझे बहुत ही लिखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं लिखती हूँ। ये जो गणेश मंत्र आपने सुना, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कंपोज़ किया। एक राग है, राग मारवा, तो मैंने कंपोज़ किया, उसका भजन भी है। मारवा मैंने कंपोज़ किया, भजन मैंने कंपोज़ किया और मंत्र को भी इस राग में डाला। हम लोग सिखाते हैं बड़े लोगों को, बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं और पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि हमें वो म्यूज़िक का ज्ञान मिला तो हम बांटना चाहते हैं। अगर 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 आपको ज्ञान मिलता है संगीत में, तो ज़्यादा बांटने से, ये कहावत है ना, ज़्यादा बांटने से और भी मिलता है। हाँ, ज़्यादातर हम संडे में सिखाते हैं बड़ों को, तो ज़्यादातर साई डिवोटी आते हैं क्योंकि वो लोग सब भजन गाते हैं। Roshni, c'est quelqu'un qui, comment je dis, entendez, qui lit, quelqu'un qui tout le temps lit dans la musique, tout ce qu'il fait, c'est relié à la musique. बड़ा बहिन रोशनी संगीत के संगे बहुत ही जुड़ल हवन और संगीत के प्रति समर्पित हवन, उही प्रेरणा के स्रोत हवन। उ खुद सीखेलन और दूसर के भी सिखावेलन, सीखे के प्रोत्साहित करेलन। रोशनी संगीत के बारे में बहुत जानेलन और जो सबसे खास बात है ये है कि वो अपन ज्ञान दूसर जनालो के संगे बांटेलन। बहुत ही जना के एकर से लाभ होल, हम ही उनकर से बहुत ही कुछ सीख ली। हयो सीख ली कि जीवन में नहीं चाहे निराश होवे के, चाहे कोनो भी प्रकार के कठिनाई होई, हमेशा सामने कोनो ना कोनो सीमा रहेला, चाहे गीत संगीत के माध्यम से ही होई, समाधान मिल ही जाला। उनकरा अपन में विश्वास बा, संकल्प बाटे, तो दूसर जना के भी प्रोत्साहित करेलन, खासकर संगीत के क्षेत्र में। Quelque chose qui nous tout le temps apprend avec lui, c'est faudrait pas nous décourager dans la vie. Peu importe ce qui arrive, nous faudrait pas nous décourager tout le temps et na un chemin, même si à travers la musique et c'est à travers des chansons, nous finis par trouver la solution, surtout qu'il nous connaît que la vie n'est pas facile du tout. Mais
il y en a tellement beaucoup d'idées, il y en a tellement beaucoup de motivation, de confiance en lui-même, qu'il tout le temps encourage nous dans tout, surtout dans la musique. Classe, mais kitne shayad 40 ya 1 ghanta aap sikhenge to ye agar yahi 1 ghanta aap depend karenge is 1 ghante par to kabhi bhi nahi safal hoga to ghar par bhi riyaz karna chahiye to mera sandesh hai ki jo log bhi is kshetra mein aana chahte hai to MGI hai abhi jo bhi kuch hu to MGI ki badolat se sirf gaane ke liye nahi aap तबला भी सीख सकते हैं सितार सीख सकते हैं वायलिन भी सीख सकते हैं और नृत्य भी सीख सकते हैं सभी तरह की फील्ड्स है ये वहाँ पर तो मेरा यही संदेश है जवानों के लिए जो भी और म्यूज़िक एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको भटकने नहीं देता जवानों के लिए मैं कह रही हूँ ये एक सीधा पाथ है आप जाएंगे म्यूज़िक में उधर इधर उधर नहीं जाएंगे डायरेक्ट म्यूजिक इन योर माइंड इन योर बॉडी एवरीथिंग म्यूजिक सो यू विल बी समवन नॉट परफेक्ट बट समवन वेरी मैच्योर हॉनेस्ट सिंसियर एंड ऑल दैट जी हमने के संगीत अपन हाई अनुभव बटले हवा जैसे कि एक संगीतमय सफर रहा एक संगीतमय अनुभव तजुर्बा रहा बहुत ही धन्यवाद कि हमने के संगे हाई अनुभव बटले हवा अभी तो आगे खातिर शुभकामना बा कि तू आगे आर बढ़बा और हमनी के पूरा मॉरिशस के आर दूसर दूसर देश में जाके आर अच्छा अच्छा गीत आर अपन सुरीली आवाज़ में आर जैसी सुंदर गीत गा के हमनी के आनंद देबा हमनी के मौका मिली दोहरा सुने के धन्यवाद आपको और MBC को भी धन्यवाद कि आपने मौका दिया हम जैसे कि आप कह रहे हैं मैंने अपना अनुभव आपके साथ बांटा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को तो जैसे देखला जाए कि महिला लोग नारी लोग अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं सर तो काही नहीं संगीत के क्षेत्र में गीत के संगीत में तो रोशनी जी के सपना रहल वो हई क्षेत्र में रहल पीतिए से बाकी कले कले ओकर सीमा खुलते गए और संगीत के है सफर में आगे बढ़ते गए लन काफ़ी दूर निकल गए लन ओकर कैरियर भी बनकर और एकर से ओकर अपन जीवन के आगे ले जाता हूँ सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा पहुँचिए सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा पा सारे सारे गा पा तो जैसे देखा था हम ही सीखा था ये अभी मौका मिला रोशनी जी के संगे थोड़ा सुन सीखे के तो काहे नए महिला लोग हर क्षेत्र में ही संगीत के गीत के क्षेत्र में भी सकियन सा आगे बढ़े कार्यक्रम देखना जा बहुत ही धन्यवाद नमस्ते आराधा आजकल घर घर बैठा को मंदिरा में आजकल घर घर बैठा को मंदिरा में नारी के चर्चा करल जाला अरे रे 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 अरे रे 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 नारी जाती है सबसे न्यारी।